वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स रामेश्वरम और यहाँ से हमने ट्रैवल बुक करी है एवन ट्रैवल के नाम से। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो अभी उसने हमें बोला है आने के लिए अमर होटल और अपोजिट टू विनायक टिम्बर, और अभी हम वहाँ चल रहे हैं और वहाँ से हमें बस मिलेगी। अभी वो है कैलासी पालयम और ये है बैंगलोर। बैंगलोर में अभी हम यहाँ से मैजेस्टिक, और हमने मैजेस्टिक से बुक करी थी टुवर्ड्स रामेश्वरम और ये एवन ट्रैवल्स के नाम से है, स्लीपर बस है। सो रेस्ट तो पूरा कर लेंगे अच्छी तरीके से और चलते हैं। आई होप चार्जर वगैरह, फ़ोन चार्जिंग के लिए स्लॉट मिल जाए चार्जर लगाने के लिए। चलते हैं, देखते हैं। अभी 7:40 से हमारी बस चलेगी और सुबह 7:30 बजे तक रामेश्वरम पहुँच जाएंगे हम। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। सो अभी हम आ गए बस में एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स रामेश्वरम और मिलते हैं आपसे इन द मॉर्निंग। और बीच बीच में मैं शॉर्ट्स क्लिक करता रहूँगा और आपको अपडेट देता रहूँगा। देखते हैं, बस तो ठीक है, अपना स्लीपर है, आराम से लेके। रामेश्वरम और अभी हमें बस ने ड्रॉप किया है यहाँ पर और हमारे साथ है श्री अर्जुन भाई फ्रॉम नेपाल। और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा फ्रेश होके मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। पहले बीच पे नहाएंगे, देन विल गो फॉर। सो दिस इज रामेश्वरम बस स्टैंड और वी आर गोइंग टुवर्ड्स रामेश्वरम मंदिर। एंड अभी यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, एज नॉर्थ में और पूरे इंडिया में बारिश पड़ रही है, रेनी सीजन है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हियर इट्स टू हॉट। सो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, आपको दिखाता हूँ। हमारे अर्जुन भाई हैं, इन्हें धूप ज़्यादा लग गई है और इन्होंने लगा लिया छाता। ये लाए थे, बारिश पड़ेगी छाता लगाऊंगा। चलो धूप के तो काम आया। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स रामनाथ स्वामी टेम्पल एंड इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो यहाँ जो शिवलिंग है उसकी पूजा राम जी ने की थी एंड यहाँ पर एक शिवलिंग और है जो हनुमान जी कैलाश से लाए थे। और अभी चलते हैं, यहाँ से मुझे टेंपल तो दिख रहा है बट आई डोंट नो कैमरे में कैप्चर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। हर जगह बाढ़ आ रही है, यहाँ पे सूखी पड़ी है। ओ भाई, बहुत गर्मी है यहाँ। मैं दिसंबर में आया था तो भी इट्स लाइक मई जून, और अभी आया हूँ यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती आई थिंक। मैं तो जब भी आया हूँ मुझे तो ऐसा ही मिला है यहाँ गर्मी। चलते हैं सावन के मौसम में भोलेनाथ के दर्शन करते हैं।
एंड उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है लाइफ में। नाउ यू से आगे चढ़ो, निकल बे। यहाँ की बस बहुत अच्छी है, ये देखो सामने पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट। हाँ हाँ, डोंट नो ब्रो, सी बस एकदम डिजाइंड। हियर इज द टेंपल व्हिच इज आई डोंट नो इट्स टेंपल और नॉट, इट्स टेंपल श्री कृष्णा प्रणमी मंगल मंदिर रामेश्वरम। दिस इज नटराज मंदिर, सी हाउ इट लुक्स, आई विल शो यू। This is Nataraj Mandir and it's very beautiful. Yeah, you should visit here once. In the evening I will cover this up. And this one is Panchmukhi Balaji. Ye wala. पंचमुखी बालाजी, शाम को आएंगे और आपको सब ये मैं कवर करूंगा और आपको दिखाऊंगा इसके अंदर जाकर। सो अभी हम चलते हैं रामनाथ स्वामी टेंपल और वहाँ पे पूजा पूजा करते हैं अभी तो। एंड अभी हम नहाए भी नहीं है तो इसलिए मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते। अच्छा, अच्छी बात नहीं है बिना नहाए धोए टेंपल में एंटर करना, तो इसीलिए मैंने बाहर से ही टेंपल के दर्शन करा दिए आप सभी को। और अभी चलते हैं थोड़ा नहा धोकर फिर मेन टेंपल के दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको ये सब दिखाता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, आपको ये सब कवर कर सकता हूँ। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनिया। हाँ। एक घड़ी मतलब पता है क्या होता है? नहीं। एक घड़ी मतलब एक पूरे दिन। हाँ। पूरे दिन भक्ति नहीं कर पाते हो। हाँ। तो आधो घड़ी आधा दिन करो। हाँ। आधो में नहीं कर पा रहे हो तो पुनियाद मतलब थोड़ा हाँ। सा होता है, इतना सा पुनियाद होता है। अच्छा। उतना ही भक्ति करो तो मन से करो। हाँ। ये वो इसका मतलब होता है। अच्छा अच्छा, चलो भाई अर्जुन भाई ने आज एक ज्ञान दिया है सो इसको आज कैप्चर कर लिया है और शेयर भी किया है। आप एक काम करते हैं, सबसे पहले रूम ले लेते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ये है देख, श्री रामचंद्र चंद्रकार राम मंदिर रामकुंड। सो जी वी आर क्लोज टू टेंपल और आप सामने देख रहे होगे मंदिर का मुख्य द्वार और चलते हैं। आप बोर्ड भी देख रहे होंगे टेंपल का एंड धनुषकोड़ी है हमारे राइट में, रेलवे स्टेशन धनुषकोड़ी राइट में है और टेंपल स्ट्रेट। सो चलते हैं, अगर इस रोड पे आप चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे धनुषकोड़ी राम सेतु और सीधे आप चलेंगे तो ये है टेंपल का रास्ता। आपको सामने टेंपल दिख ही रहा होगा, इसके चार मुख्य द्वार हैं। वन इज टुवर्ड्स बीच, एक ये मेरे सामने है एंड बाकी अदर साइड। भैया मंदिर से आ रहे? भीड़ कैसा? भीड़ है बराबर, नॉर्मल है नॉर्मल। जी मंदिर के पास आ चुके हैं और ये मंदिर का द्वार है और अब यहाँ से चलते हैं दर्शन करने के लिए। पहले तो हमें कहीं लॉज लेके अपना सामान वगैरह रखना है, देन वी विल गो टू वर्शिप इन टेंपल। ये है वेस्ट आवर एंट्रेंस, आई डोंट नो आप अंदर देख पा रहे होंगे बट नहीं, बट इट्स अमेजिंग। ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पर एंड आई लाइक कमिंग हियर और सावन के मौसम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आना, इट्स सो अमेजिंग। हर हर महादेव। और अभी चलते हैं यहाँ से। हाँ जय सियाराम राधे।
दिस इज द एंट्रेंस। और ये इसकी मार्केट है, लोकल मार्केट। गर्मी तो बहुत है। ये है मंदिर का सेकंड द्वार, पहला द्वार मैंने आपको दिखा दिया। एंड अभी रूम लेते हैं। और पीछे दिख रहा है वो थर्ड द्वार है, वो समुद्र की साइड से एंट्रेंस है उसकी। काफी बड़ा है ना मंदिर, है पूरा एकदम घूम घूम के। पहले तो रूम फर्स्ट टाइम ना अर्जुन, यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम ना? या दिस इज माय सेकंड टाइम। हियर इज द सेकंड गेट। द गेट कितना बड़ा है, सी देखना, गेट देख, गेट मेन गेट। टेम्पल सीएम लॉज किधर चला गया बे? आगे आगे। छाता लगाना पड़ गया जो बरसात के लिए लाए थे, अब धूप के काम आ रहा है। ये रहा, इसमें रुका था मैं। दिस इज द सीएम लॉज, लेट्स गो। बराबर में ही खाना भी मिल जाएगा, रेस्टोरेंट वगैरह भी है। ये लॉज ले लिया है हमने और अभी यहाँ पर सामान वगैरह रख दिया और अभी चलते हैं समुद्र की तरफ। और समुद्र से नहाने के बाद फिर हम 22 कुंड में स्नान करेंगे और वो है मंदिर के अंदर, उसका टिकट लेना पड़ता है। और उसके बाद 22 कुंड में नहाकर देन फिर हम वापस आएंगे और चेंज कर फिर हम दर्शन करने जाएंगे भगवान जी। हम तोड़ गए।